जी, मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में बोला ही था कि हमारी गली है जो ऐसी ही कोई कोई इसमें देख नहीं रहा, और मुंह छुपाते फिर रहे। देखो एक और कहाँ, एक और ये देखो मुंह छुपाते फिर रहे। तो मैं अकेला ही था, और कैसा लगा बताने जाएंगे कुछ? दो था क्या, देखो ढोलक था होगा। Hey guys, good morning everyone. Welcome back to my new vlog. आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर आज का दिन कुछ इस प्रकार शुरू हुआ कि मेरे कल लग गई थी चोट, तो मैंने बोला था कि रनिंग का देखूँगा जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, उसे जाना तो था ही, तो मैं गया भी। तो सुबह मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मुँह बिल्कुल उतरा हुआ था, क्योंकि अब मैं क्या ही बना था, चोट लगी हुई थी। तो फिर अब मतलब ठीक तो नहीं हुआ, पर हाँ यह है कि कोई बात नहीं, चलता रहता है। पर उसमें क्या व्लॉग बनाना था, अब थोड़ा ठीक लगा तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। तो फिर सुबह सुबह का भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था, भाग भाग के आया, उसके बाद जूते उतारे ना जब बिल्कुल चिपक गया बिल्कुल वो मुझे उस पर, कोई बात नहीं चलो चलता रहता है। और फिर उसके बाद मैंने आज वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं किया, 1% भी नहीं किया, क्योंकि मेरा पेन हो रहा था। फिर मैंने बोला छोड़ आज रहने दे, क्योंकि वैसे भी मैं लगातार 7 दिन तो कर ही चुका हूँ, तो एक दिन का रेस्ट भी बनता ही है, यही दिया यही समझ लो। तो फिर अब मेरे को और कुछ काम भी है, मेरे को जाना भी है ज़रा। तो टाइम हो रहा है तुम्हारा भी 9:30, तो मैं मतलब बाकी तो पूजा पूजा तो कर ली मैंने, बाकी सब तो हो गया, अब खाली खाना खाते फिर थोड़ी देर में निकलते हैं। भाई मैं अभी चलता हूँ, काम था काम निपटाता हूँ, और फिर फ़ोन देखते हैं मिलता है तो फिर आता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:30, और काम से मैं गया था, मैंने वो काम पूरा कर दिया, और आज शायद तक शाम तक मेरा फ़ोन भी आ जाएगा, तो वो भी चलो ठीक ही है, फ़ोन भी ठीक हो जाएगा, पर चपत तो लगी गई। तो अभी तक मैं मम्मी के फ़ोन से ही काम चला रहा था अपना, और बाकी एक छोटा सा फ़ोन और था, देखा ही होगा आपने। तो यार बहुत दिक्कत हो जाती है भयंकर जब ऐसे तुम्हारे फ़ोन में सब कुछ हो, मतलब जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हो, और वही फ़ोन ख़राब हो जाए तो बहुत दिक्कत आती है। एक और फ़ोन होना चाहिए सबके पास, तब से एक और फ़ोन लिया जाएगा, मतलब पड़ा भाई है वही इस्तेमाल होगा। भाई दून में भी ऐसी गर्मी होने लग गया भयंकर, बारिश का कुछ अता पता ही नहीं वर्षा भयंकर, पूरे मौसम में देखो धूप ही धूप, बादल आ रहे, हवा आ रही, उड़ जा रहे, ना बारिश आ रही ना कुछ आ रही भयंकर। नहीं तो यहाँ पता कैसा था, थोड़ी सी अगर धूप हो गई थोड़ी सी तेज तो भयंकर एकदम बारिश हो जाती थी, ठीक हो जाता था बिल्कुल ठंडा था। अब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये देखो यार, ये पेड़ों पेड़ों में कितना अच्छा लगता है, अगर भयंकर नेचर देखो कितना प्यारा है नेचर, अगर नेचर के साथ सही तरीके से रहा जाए, अगर पेड़ पूड़ ना काटे जाएँ, और ये जो पन्नी पुन्नी जलाई जाती है ये सब ना करा जाए, तो सोचो क्या बढ़िया सा रहेगा, मतलब एकदम बढ़िया रहेगा। और हम लोग खुद ही उसके ज़िम्मेदार हैं, जो हमने ये जो इतनी सारी ट्रेजिडीज वगैरह हो रही है, नेचर इतनी सारी बेकार बेकार चीज़ें दे रहा है हमें, तो हम लोग खुद ही उसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, और हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम नेचर को नुकसान नहीं देंगे, और जो जैसी चीज़ बनाई गई है कुदरती उसको वैसी रहने देंगे। तो गाइस अभी हो रहा है टाइम 4:45, और मैं ज़रा काम से ज़रा जा रहा था, पर एक चीज़ और भूल रही थी। तो ये देखो हमारे यहाँ गली का काम शुरू हो चुका है, रोड निर्माण, जैसा कि मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में बोला ही था कि हमारी गली है जो ऐसी ही कोई इसमें देख नहीं रहा, हमारी गली पे कोई काम नहीं हो रहा। तो अच्छा लगा मेरे को ये देख के कि शासन प्रशासन से और हमारी माननीय पार्षद जी ने इसके हमारी गली में आके निरीक्षण किया, और उसके हमारी गली में काम कर कल आके चेक करा, और आज से काम शुरू करा दिया है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देख के, मैंने व्लॉग डाला था वाला कम से कम 1 महीना पहले, तो 1 महीने के अंदर अंदर देख के उस पर काम किया जा रहा है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोग के द्वारा ही हो रहा है सब कुछ। आप लोग ऐसे अपना प्यार देते रहिए मेरे को, और मैं भी अपने पूरा दिल लगा के काम करता चला जाऊँगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ज़रा जा रहा हूँ, उसके बाद आके। तो गाइस टाइम हो गया है 7, और मैं 2 मैच ऑलरेडी खेल चुका हूँ, 1 3 का और 1 5 का, तो मैं जीत चुका हूँ दोनों के दोनों मैच। और मुँह छुपाते फिर रहे, देखो एक और कहाँ, एक और ये देखो मुँह छुपाते फिर रहे। तो मैं अकेला ही था, और कैसा लगा बताने जाएंगे कुछ? दो था क्या, देखो ढोलक था होगा, भाग गया।
तो वो उसका होना ना होना एक ही, उसने दो गोल तो खाएगा। भाई मैंने मतलब मैंने बोला था ना कि एनर्जी पूरी फुल लेके आऊंगा, और मैं लेके आया और पैर में लगने के बाद अभी आठ का एक और है। हाँ तो कोई बात नहीं, एक और खेल लो। हाँ, इस बार देख लेना मेरे पैर में लगी हुई थी, उसके बाद भी मैंने पूरा जुनून दिखाया। और ये देखो एक ये मुँह छुपाए नहीं छुप रहे काफी ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को। भाई मैंने खेल लिया था, और खेलने के बाद आज मैं 8 सेंटर फूट जीत चुका हूँ, तो फिर खुशी तो है ही ना, बढ़िया। और अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 8:15, और अब मैं अभी आया खेल के, तो अब मैं चलता हूँ, थोड़ा पूजा करते हैं, उसके बाद आते हैं वापस घूम फिर के। टाइम हो गया तुम्हारा 10, और अभी टाइम है खाना खाने का, तो खाना खाता हूँ फिर आता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस खाना मैंने खा लिया था, अभी अभी मैं बाहर आया हूँ, तो अब थोड़ा वॉक पर चलते हैं, तो आपसे एक और बात भी करनी है मेरे को, तो फिर चलते हैं और आपको मिलते हैं रोड पे। गाइस तुम्हारे भाई का रिजल्ट आया आज, और तुम्हारे भाई ने फर्स्ट डिवीजन पे टॉप कर दिया, तो खुशी भी बहुत। और एक और बात तुम्हें बोलनी थी मेरे को कि कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम अपने भाई का, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और ऐसा आज से पहले कभी मैंने स्टेज में ऐसे कभी बोला नहीं था, पर इतने लोगों का आगे बोल रहा मैं ऐसे, मैंने कभी सोचा नहीं था। हो ना हो कुछ ना व्यू ना मिले कमेंट ना मिले, एक आध बंदा भी कमेंट करेगा मेरे लिए बहुत है, वो एक बंदा भी लाइक करेगा मेरे लिए बहुत है, लोग देखेंगे बहुत है मेरे लिए, वो चाहे 10 लोग देखें चाहे 20 लोग देखें। चीज़ें सीखने को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैंने कभी नहीं करी, कभी चीज़ नहीं मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो सब मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरे को अच्छा लग रहा, मैं सारी चीज़ें सीखते चले जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो गाइस मैं वापस आ गया था बाहर से, तो टाइम हो रहा है 10:43, तो अभी मुझे ये वाला व्लॉग एडिट भी करना है, क्योंकि कल से सुबह सुबह व्लॉग डालूँगा, तो सुबह का टाइमिंग सही है, और आपने भी मेरे को सुबह का टाइमिंग ही मोस्टली लोगों ने बोला था, तो सुबह ही करेंगे अब से डेली व्लॉग अपलोड। और यही है मेरी दिनचर्या जो भी है, मतलब डेली व्लॉग में जो भी डेली रूटीन है जो मेरा सब कुछ वो यही है अभी फ़िलहाल के लिए, तो हाल फिलहाल तो मैं जैसा जैसे चीज़ें होते चले जाती वैसे वैसे दिखाता रहता हूँ आप लोगों को, तो इन्जॉय करो। और अगर जैसा भी लगे तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को फीडबैक देते रहो अपने अपने, और मेरे को बताते रहो कमेंट करके नीचे, मेरे को इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, नीचे मेरी आईडी आ रही होगी। इंस्टा में मैं अपडेट रहता हूँ, मतलब पोस्ट करता रहता हूँ क्या करना है क्या नहीं कर रहा हूँ क्या रह गया है जो भी है मतलब। तो इस व्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।